कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। समाजवादी पार्टी के गले में अभी अयोध्या कांड फंसा हुआ ही है कि इस बीच कन्नौज में सपा सांसद डिंपल यादव के प्रतिनिधि रहे नवाब सिंह को पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग बच्ची का आरोप है कि नौकरी देने के बहाने उसे उसकी बुआ के साथ बुलाया गया था। यहां सपा नेता ने उससे बलात्कार की कोशिश की। सपा नेता ने जहां इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है, वहीं भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवी ने वह वीडियो एक्स पर पोस्ट किया है जब पुलिस नाबालिग को लेकर ऑफिस के पीछे कमरे में पहुंची थी। यहां नवाब सिंह पलंग पर अर्धनग्न अवस्था में लेटे थे जबकि पास ही कुर्सी पर बैठी एक महिला नजर आ रही है। अमित मालवीय ने यह सवाल भी किया है कि इस वीडियो के बाद भी क्या अखिलेश यादव अपने खास नवाब सिंह यादव का बचाव करेंगे। पहले देखिए वह वीडियो जो अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया है। कहाँ पे थी, किस कमरे में? चल के दिखाओ, कोई है वहाँ पे अभी? हाँ। यहाँ किस टाइम आई आप? फिर जाने में लेट हो गया तो उन्होंने बोला यहाँ रुक जाओ, मार्निंग में चले जाना। कपड़े आपके? मैंने उतारे थे। क्या बात हो गई भैया? यही है वो? आइए आइए। क्यों, ये कौन है आपके? फोन दो, फोन। अरे ये कौन है आपकी? इनको ले चलिए भाई। कंप्लेन करिए आपके घर, ये पहना दो उसके कपड़े। उनको ले लीजिए महिला को कस्टडी में भी। चलो ये महिला को ले लेना कस्टडी में, ये नहीं जाएगी कहीं। नहीं दीवान जी, कहाँ है वो लड़की को बुला, उसको कह दो चप्पल अपल अपने पहने, कपड़े पहना दो उसको। इस बारे में कन्नौज के SSP अमित कुमार आनंद ने यह जानकारी दी। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे UP 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और PRV मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से मुंबई थाना पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे, उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत। सर, उम्र क्या रही होगी पीड़िता? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FastByte.tv। नमस्कार।